को पावन अपनी हाथी से कृष्णा वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण सभी कल्याणकारी में देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों और मिलजुल कर अपने मन को एकाग्र करें। एक एक दिन करते हुए ये वर्ष 1995 हम सबको हार्दिक पारमार्थिक आशीर्वाद देता हुआ सदा के लिए भगवान की जात में समाने जा रहा है। हमारा नंबर तो बाद में लगेगा पर 95 का नंबर लग गया। एक एक दिन करके सप्ताह सप्ताह करके पक्ष और पक्ष करके महीने गुजर जाते हैं और वर्ष पूरा हो जाता है। अभी भी मैं देखता हूं कई कमियां आप में है। आयु भी घट गई, एक मिनट भी वापस नहीं मिलता। कितना अच्छा महापुरुष कह गए, हमने एक वर्ष में जो कुछ प्राप्त किया वो सारा दे दी, एक मिनट भी वापस नहीं आता। समय देख के हमने बहुत कुछ प्राप्त किया और बहुत कुछ देख के समय लौटाया नहीं जाता। जरा देखना क्या कहेगे महापुरुष, समय लगाकर हमने बहुत कुछ प्राप्त किया और बहुत कुछ दे दिए और समय वापस ले ले कभी नहीं हो सकता। यहीं से अनुमान लगा लीजिए समय कितना अनमोल है। अनमोल समय को कितनी अच्छी बात व्यास जी ने कही, अनमोल समय को किसी अनमोल कार्य में लगाना चाहिए। जब समय इतना वैल्यूएबल हो मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, उसे किसी मोस्ट वैल्यूएबल काम में लगाए। तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार वैल्यूएबल की परिभाषा क्या है, अनमोल की परिभाषा, अनमोल की परिभाषा हाँ जिससे सदा रहने वाली शांति मिले, जीव नाना प्रकार के दुखों से छूट जाए और आवागमन के चक्कर में ना आने पाए। हमारा वैदिक सनातन धर्म मेरी देवी और सज्जनों उसे अनमोल कहता है। और वो क्या गए, भगवान की सत्ता भगवान की जात। तो बाबा बाकी चीजें प्राप्त करने से अनमोल नहीं कहा जाएगा, नहीं, क्योंकि बाकी जो कुछ भी हम अनमोल समय प्राप्त लेके प्राप्त करेंगे वो चीजें सब नाशवान है, हमारा साथ नहीं दे सकती। उनका हमारा मिलाप चंद दिनों का, चंद सप्ताहों का, कुछ महीनों का होता, फिर वो जरूर हमें छोड़ जाएंगी। इसलिए गीता का पन्ना पन्ना नहीं, एक एक शब्द पुकार के कह रहा गए, फिदा मुझ पे कर दान शुक्र मना। मेरे से पूछा जाना चाहिए, आपको सत्संग भी सुना, चुभने वाली बातों पर मनन भी किया, अपनाने की यथावती यथाशक्ति कोशिश भी की, फिर कमियां क्यों रह गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न, फिर कमियां पूरी क्यों नहीं हुई। मैं भी आपके लिए डटा हुआ हूं, हर सुबह हर शाम भले ही शरीर डिके कर रहा है आपके लिए हाजिर हूं। आप भी सच्चाई के पुतले हैं, कोई पखंडी नहीं, आप तत्पर है, श्रद्धालु है, प्रेमी है और सबसे बड़ी बात यह कि आप कल्याणकामी है। फिर कमी क्यों रही, सुनो मैं आपको बताऊं, कमी रहने का मतलब क्या, या तो आप पखंडी हो, पखंडी भी नहीं,
हमारा जी चाहता है कि हम कल्याण करें और कल्याण करने की कोशिश भी करते हैं, कई सिर्फ सोचते हैं करते नहीं, आप सोचते भी हैं और उसे कार्य अनुरत भी करते हैं, उसे अपने जीवन में ढालते भी हैं, फिर कमी क्यों रह गई, कारण क्या है कि कमी रह जाती। सुनिए इसके तीन कारण महापुरुष बता गए, ध्यान से सुनना, मैं इस पर प्रकाश डाल दूं। हम देखते हैं क्यों कमी रह गई, कमी भी एक प्रकार की नहीं होती, कमी भी कई प्रकार की मानी गई है। इतना समय नहीं कि मैं एक एक बार प्रकाश डालूं, मैं सिर्फ रूपरेखाएं या आउटलाइन ड्रा कर दूंगा। कमी का सबसे पहला कारण ये होता है, ध्यान से जरा खरगोश की तरह कान खड़े करके, जरा चुस्त और होशियार होकर के, साल जा रहा है, एक एक दिन करके 365वां दिन आज है, ये भी जा रहा है, इसके कितने एक दिन में 24 घंटों को जरब दीजिए 365 से, कितने ही घंटे बन गए, इतने घंटे व्यतीत होते जा रहे गए, हो गए। फिर कमी का मतलब और मैं बताऊं आपको, आओ अपने महापुरुषों की बातें मैं याद कराऊं, इसलिए भेजा गया हूं। कमी का मतलब आपने अब सारी ध्यान से सुने, सारी मेरी दुनिया गुम हो जाओ जरा आप चुपचाप, आज का विषय आपके लिए फिर बड़ा जरूरी है, मानो नए साल की आशीर्वाद है हमारे लिए, जाने वाले उस साल की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं। आपने बहुत ज्यादा गौर नहीं किया किस बात पर, संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम करने में, किसी भी भाई को महर्षि वेदव्यास जी के ऐसे कहने में इतराज हो खड़े हो जाना, कमी क्यों रहती है, संसार के संकल्प विकल्प आप कम नहीं कर सके, इस पे इतराज हो तो खड़े हो जाओ, बेशक तिल मिला उठो, बेशक जब तक संसार के संकल्प विकल्प रहेंगे कमी जरूर रहेगी। सबसे जरूरी है क्या, परमात्मा में तलीन होना है ना, अपना कल्याण करना है ना, हाँ तो संसार जबरदस्त वादा है। संसार का मतलब नाम रूप, नाम रूप का मतलब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है। अगर ये नियम भगवान ना बनाते, हमें कोई रूप याद आता है, लेकिन रूप तो काम करके याद आएगा, कोई रूप और याद आता है क्रोध करके आएगा है, कोई और रूप याद आता है मोह करके आएगा है, कोई और रूप याद आता है लोभ करके आएगा, फिर कई रूप याद आते हैं अहंकार करके याद आता है, क्या समझते हैं ये मुझे, इनके मन में भाव क्या है। तो कोई भी रूप याद आते हैं ये वृत्ति साथ लेके आते हैं मेरे सजनों, ओ मेरी दीवियों, इससे क्या होता है मन सुथूर हो जाता और ये मारे गए सूक्ष्म मन का। सूक्ष्म मन कब होता है, जब निर्मल होता है, निर्मल मन कब होता है, जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होती है, जो भगवान ने कहा ना हो उसको फिक्र कहे योग का उसको मसल नशीन। आपने नहीं किया मैं तो कहता रहा, आप पढ़ते भी रहे, आप पर प्रेम के अश्रु बहाते भी रहे, संसार के संकल्प विकल्प कम हुए, क्या बोलू गए नहीं, और ये मारे किन के लिए गए, ये मारे उनके लिए गए, ख्याल उसके हाय हुए रब्बा, ये मार्ग उन नेक भक्तियों के लिए है। आप नेक भक्त हैं, आप अभागे नहीं है, भागे हैं, आप मनुष्य नहीं है, आप किस्मत वाले हैं। मनुष्य कहते हुए अभागों को, बदकिस्मतों को, बदनसीबों को बोलते हैं मनुष्य, आप तो अच्छी किस्मत वाले हैं, क्यों नहीं आपने संसार के संकल्प कम किए, जबकि मैं आपसे बार बार कहता रहा कि जिस समय का जो कार्य होता है उसे हम कल गुजरे, संकल्प विकल्प उसके विषय में ना करें, उसके विषय में चिंता ना करें, किसी समय को कर्तव्य गए उठाओ पहला चलो बाजार में, अगर आपकी कैपेसिटी है पूरा करने की कर दिखाइएगा, लेकिन आपने चिंतन क्यों किया उसके बारे में, चिंतन तो केवल हमने भगवान का करना है, हमें कार्य तो करने है और वो भी कर्तव्य कर्म करने है। सबसे पहली कमजोरी यही होती है साधक में कि वो संसार का चिंतन नहीं बंद करता,
चिंतन कह लो, संकल्प विकल्प कह लो, ख्यालात कह लो। अच्छा, तो फिर आपकी साधना का ठोस लाभ नहीं होगा। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ये रोज 10 रुपए की गोली आपको खानी होगी, जरूर खाऊंगा। 10 दिन के बाद हम डॉक्टर के पास रीचेकिंग के लिए गए, डॉक्टर कहते कोई असर नहीं, ब्लड प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ा, और भी जो गड़बड़ है वो भी देख रहा हूं। कारण क्या? ये दवाई का तो असर होना चाहिए था, क्या कारण है? डॉक्टर साहब आप ही देख लो, जैसे आपने कहा था मैं वैसे कर रहा हूं, जो मैंने परहेज कहा था शराब का वो तो मैंने नहीं छोड़ी। अब लगाइए अंदाजा, चाहे 100 रुपए की गोली हो, हाँ वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखाएगी। परहेज नहीं किया गया, डॉक्टर बेचारा क्या करे, मुंझरा गया डॉक्टर, क्यों मुझे बदनाम करने पे तुले हुए हो, मैंने भी अपने बाल बच्चे आप गृहस्थी पालनी है, लोग क्या कहेंगे, वहां से इलाज का तरह कुछ नहीं बना। और परहेज समझी करते, परहेज को हम अपनी भाषा में बोलेंगे संयम नियम। तुम इतने दिनों में संयम नियम से नहीं रहे, अब हमारा परहेज क्या है? हम भी तो इस मरीज है, किसके? भगवान के, किसके? गीता ज्ञान के। गीता ज्ञान को अपने अंदर बसाना चाहते हैं सज्जन मेरे देवियों, हम भी अपने आप को एक दुनिया बजाते खुद, मेरे प्रभु आप मुझे क्षमा करेंगे मैं क्या बोलने जा रहा हूं, लेकिन मैं होश आवाज कैम उन्हें दाता बेहोशी में नहीं कह रहा, दुनिया बजाते खुद एक मर्ज है, दुनिया बजाते खुद एक बीमारी है। बीमारी क्यों? ये भगवान ने जल्दी वृत्तियों जो दुनिया के साथ बनाई, ये काम करो वो लोग अहंकार, इन्हीं को मोटे तौर पर कहती है राग और द्वेष। राग और द्वेष बड़ा भारी एक मर्ज है। क्यों? मर्ज वो होती है बच्चे, रोग वो होता है जो हमें असामान्य बना दे, असामान्य इसी को अंग्रेजी बोलते हैं अबनॉर्मल, जो हमें अबनॉर्मल बना दे, हम उसके लिए रोग है। अच्छा, तो ये एक रोग होते हैं तन के, ये काम, ये आपका आपका क्या 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 क्या, ये आपका जो अट्रैक्शन रिपल्शन है, ये राग और द्वेष है, ये मन का रूल है। राग और द्वेष, रगबत और नफरत, ये मन के रोग है। जो जो आप भगवान जी की वाणी की तो प्रभु की वाणी है सुनती है, मन का रोग लाजमी तौर पर गोमेट गान होना चाहिए। कम हो जाए, साल जा रहा है मेरे सजनों, अर्थात 365वां दिन जा रहा, क्यों नहीं ये हुआ? आपने संकल्प व्यक्ति बंद किए, आप बहुत सीरियस नहीं रहे, सिंसियर तो है सीरियस नहीं रहे, आप सच्चाई के पुतले हैं, लेकिन गंभीरता पूर्वक आपने साधना नहीं की। इस तरह क्या अरमान लेके मरेंगे? और उधर हमारे अनुभवी महापुरुष हमें चेतावनी दे रही है, नहीं नहीं आकाशवाणी कर रही गए, राम सिमर ले सुकृत कर ले, को जाने कल की खबर नहीं, या जग में कभी साहब कभी जी के बोल, राम सिमर ले, अरे जितना हो सकता है भगवान का भजन कर ले, सुकृत भले कर्म कर ले, राम सिमर ले सुकृत कर ले, को जाने कल की खबर नहीं, या जग में पल की। हमारी आंखों के सामने कितनों की अर्थियां निकल गई, बात ही बात में फुल हो गया, क्या हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, अभी नाश्ते किया था और अभी बाहर निकला उल्टी आ गई, घर वापस आया खत्म, बात ही बात में जीव जा रहे हैं, हमें चेतावनी देते हुए वो जा रहे हैं, पर चेतावनी हमें दिए जा रहे हैं। मैं भी यहां मंदिर में रहता हुआ देख रहा हूं, थोड़ी देर गुजरते हैं कोई अर्थी आ जाती है, थोड़ी देर गुजरते एक और अर्थी आ गई, थोड़ी देर अभी एक और अर्थी आ गई, अभी गीता नगरी से उस दिन अर्थी आ गई, वाह ये अर्थी क्या आ रही है, हमें जोरदार चेतावनी दे रहे हैं, हम तो साधना पूरी करके नहीं जा रहे, आप तो अपनी साधना पूरी कर लो। ये कहते हुए आरती शमशान की ओर चली जाती, इतनी जोरदार चेतावनी देते हुए। क्या कारण है हमारे में कमी रह गई? आपके बारिशी वेद व्यास जिसकी छत्र छाया में मैं और आप बैठ जाती हैं, फरमाती है संसार संबंधी संकल्प विकल्प आपने कम नहीं किए, अर्थात दूसरे शब्दों में मैंने अभी कहा आपने परहेज नहीं किया। बीमारी में परहेज अनिवार्य होता है, जरूरी न कहिए अनिवार्य। अनिवार्य एक ऐसा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का जिसके बड़े जोरदार अर्थ होते हैं। अनिवार्य क्या होता है? जिसके बिना राह न जाए, अनिवार्य होता है कंपल्सरी। अच्छा, अनिवार्य होता है इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य,
अनिवार्य मीन्स अपरिहार्य, अर्थात हम इसे छोड़ नहीं सकते, इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल। प्रेस बड़ा जरूरी है, और आप हम बचपन से तो नहीं पर मिडिल क्लास से जरूर सुनते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज कई दर्जे बेहतर है, इलाज से परहेज कई दर्जे बेहतर है। यहां का प्रेज ही यही है, संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद। अगर संसार संबंधी संकल्प के अनुसार ये गंदी मिट्टी ना आती ना मेरे, सुनो मैं आपको बहुत हिंदुस्तान की चोटी की फिलॉसफी बतला रहा हूं। ककर गीता का एक एक शब्द फिलॉसफी और साइकोलॉजी से भरा हुआ, भारतीय मनोविज्ञान और भारतीय ब्रह्म विद्या से ओत प्रोत है गीता जी का एक एक शब्द। इसी तो मेरे जैसे फिदा हो गए इस वाणी पर, पूरा रूपेण लट्टू हो चुका है इस वाणी पर। इसके बिना तो इंसान बिल्कुल ही पढ़ा लिखा बुद्धू है, एजुकेटेड फूल। ये आवाज आई मुझे कि हम तो पढ़े लिखे बुद्धू है, जब तक ये ज्ञान ना हो हमें ये भी नहीं पता लगेगा, गीता ज्ञान ना हो क्या नहीं पता लगेगा, उचित क्या गए अनुचित क्या गए, क्या देखना क्या ना देखना हमें को पता है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। जैसे सारे सुन रहे हैं हम भी सुन रहे हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे सारे देखते हैं हम भी देखते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। बड़ा गंदा ये बताती है गीता, कहां जाना है कहां नहीं जाना ये नहीं पता, क्या देना है क्या लेना है, गिविंग एंड टेकिंग हमें तो ये भी नहीं पता, क्या मन में सोचना विचारना है, क्या बुद्धि में निर्णय लेना है। और हम कहते हैं वी आर ऑल एजुकेटेड, कितनी अफसोस की बात है, हमें इतनी बात का पता तो है नहीं प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है, हम प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और फिर भी हम बड़े मान से कहती है मैं एजुकेटेड हूं मैं ग्रेजुएट हूं। क्या ग्रेजुएट बात बात में रो पड़ती है, बात बात में तू बुरा मना लेती है, बार बात में सीरियस हो जाती है, क्या आजकल के ग्रेजुएट मंजीदे हेट, ये भी क्या ग्रेजुएशन है, कोई शांति नहीं आराम नहीं चैन नहीं। पर मैं तो इशारा करूंगा आप सबको, ये जाने वाला साल हमें कह रहा है क्यों हमारे में कमजोरी रह गई, परहेज ने किया किस बात का, संसार के संकल्प विकल्प का। बाबा अगर संसार के संकल्प विकल्प बंद कर दे तो हमारे काम कैसे चलेंगे, यही तो आपको भूल है, यही तो बड़ी गलती है मेरी देवियों, काम तो चलेंगे, काम हम चलाने वाले हैं क्या, काम पर रब चलाता है। कई बातें ऐसी है जो आपको में ब्लंडर है, जिसको मैं भयानक भूल कहूंगा, जो काम प्रारब्ध में होता है उसके सामान पैदा हो जाती है। आप क्यों भूल गए हैं गीता की ये बात, क्यों मैं एक लाल डंडा लेके आपको सजा दूं आज, दे बाबा दे गिन गिन के मार हमें, तन से नहीं मन से मार रहा हूं आज आपको। ये बात क्यों भूल गए, क्या बनाया जो तेरी फितरत है धर्म, कराई की फितरत वही तुझसे, समाज तो पैदा हो जाती है। उधर देखो ग्यारहवें अध्याय में हमारे भगवान ने वचन दे रखा है, वसीला बन न देखो ये ऑल इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड, बेटियों कठपुतली के हाथ में हम कठपुतली हैं, पुत्री घर के हाथ में हम कठपुतली हैं, वो समाज पैदा कर देता है हम करने लग जाते हैं, हम करने वाले कौन है, जैसे हमारे प्रारब्ध है वैसे समाज पैदा, किसी को इतराज हो रोको टोको मेरे मुंह में लगाम डालो, जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार होना है वैसे समाज पैदा हो जाएंगे, वैसी परिस्थितियां बन जाएंगी, वैसे वातावरण बन जाएगा। ओ मेरी भोली बाली डबल रोटी, ओ मेरे बुजुर्गों और मेरे होशियार भाइयों, जो घटनाएं होनी है वैसे हालात बन जाएंगे, घर का वातावरण बन जाएगा, हमारी बुद्धि में बार बार वो निर्णय होगा है, हमारे अंदर वही विचार उठेंगे, और इर्द गिर्द मिलने जुलने वाले हमारे वैसे आएंगे जो प्रारब्ध के अनुसार बात होने वाली। हाय वाह वाह, वरना हमारे संत श्रोमणी गुसाई जी कभी ना कहते पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, शरीर तो मां के पेट से बाद में प्रकट हुआ है, पहले इसकी प्रारब्ध बन चुकी है। ओए ओए ओए, अगर नहीं विश्वास हो थप्पड़ मारो अपने ऊपर, एक इधर पांच उंगलियां क्या नजर आई, इतना थप्पड़ मारो कि ये लाशें पड़ जाए उंगलियों की, इस पर हमें विश्वास नहीं, वाई नॉट, पूरा पूरा विश्वास है। और विश्वास अब करें किसके ऊपर, दो ही रह गया विश्वास करने योग, अनुभवी की बातें और भगवान जी के उपदेश, और बताओ किस पर विश्वास करोगे।
कोई भी दुनिया विश्वास के मांग है विश्वास के काबल नहीं। पिताजी, बहन भाई, पति पत्नी, ऑल आर ग्रोइंग विद फुल स्पीड, क्या इन पर विश्वास करें, डिपेंड करें? भाई, एक भगवान का उपदेश डिपेंडेबल है और एक अनुभवी महापुरुषों की बातें रिलायबल है। ये दोनों चीजें डिपेंडेबल और रिलायबल है, विश्वसनीय अवलंबनीय। दर्शन पकड़ो अपनी राष्ट्रभाषा के, विश्वसनीय विश्वास के काबल, अवलंबनीय क्या होता है? सहारा लेने की युग, अवलंबन सहारा। अनुभवी की बातें जो है विश्वसनीय होती है, वो क्या विश्वास करे जबकि दुनिया बनाने वाला इतना जोर का डिक्लेयर कर रहा है किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी रहे। ये नया साल कुछ कह रहा है हमें क्या? क्यों मन में कमजोरियां रहेगी जब मैं आपके पास हूं, जब चोटी का ज्ञान गीता आपके पास है, भगवान की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर है, पूरी कृपा है। तो मैं कह रहा हूं कारण क्या? संसार के संकल्प विकल्प को अपने बंद नहीं किए। हम तो पुरुषार्थ करें तो होता रहेगा। लड़की आपकी जवान है, मैरिजेबल है, बिल्कुल ठीक है, तो आप इसके बारे में चिंता क्यों करती है? चिंता क्यों करती है? आपने कहीं कह दिया, इधर पति पत्नी देव भी कह रही है, उधर आप माँ बाप बहन भाई को भी पत्र लिख चुके हैं, और होनी उसी दिन है जिस दिन मुकर्रर है और उसका अन्न जल आपके घर में समाप्त है। कितनी सच्चाई की बात है ये तुलसी, ये आश्चर्य है। मन नहीं बांधे धीर, नहीं तो पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना श्री। विशाल जी कहते कितना गंदा और कमीना मन है कि ये सच्चाई को फिर नहीं मानता, फिर भी धीरज छोड़े हुए। व्हाट ए वंडर, आप तो ठीक हो जाओ, आप तो मेरी देवियों मान लो। मैं कौन सा रजोगुनियों को कह रहा हूं या तमोगुनी के साथ मुखातिब हूं, मेरा संबोधन तो आपके साथ है ना, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं ना, आप तो अपने मन को मना लो और कमजोरी को अभी भी साल के अभी कुछ घंटे हैं, अभी पूरा यकीन कर लो। जिस घटना ने जैसे घटना होगा हालात वैसे बन जाएंगे, लेकिन वही वरी उसके में संकल्प विकल्प क्यों करे? और निकालो रामायण, गुसाई जी ने यही अपने महापुरुषों के या भगवान का फरमान रामायण में नकल मारी है कि नहीं? गुसाई जी ने अनेक शास्त्रों की नकल मारी है, फिर भी किसी ने पकड़ा नहीं। बड़ी नकलें मारी है, बड़ी नकलें मारी है। मैं साबित कर दिखाता हूं हमारे अनेक शास्त्रों का अनुभव गुसाई जी ने अपनी रामायण में ले लिया। जैसे ये देखिए, जैसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, जो बात जैसी होने वाली है चारों ओर सहायता वैसी मिलने लग जाएगी। देख लो देख लो, गीता में कहा है ऐसा? हाँ, बनाया है जो तेरी फितरत धर्म कराएगी, फितरत वही तुझसे कर। आगे जोरदार शब्दों में, तुझे लाख रोके पड़े बेख्याल, करेगा तू नाचार कुंती के लाल। ये अटल नियम है। अभी बैठे बैठे साल तो उधर जा रहा है, ये उसका अंतिम दिवस है। संसार संबंधी संकल्प विकल्प न किया करो, बड़ा भारी परहेज है। देखो मेरे सुन लीजिए बात अपने भगवान की, जिस समय का जो काम है कर गुजरो। अगर आप में शक्ति है करने की, तो धन है तो खर्च कर गुजरो, तन ऐसे है तो कर गुजरो। जिस समय का जो कर्तव्य कर्म है कर गुजरो, लेकिन उसके बारे में सोचो मत, संकल्प विकल्प मत करो, वरना आपकी भक्ति कम हो जाएगी। ये परहेज नहीं करेंगे तो ये कमी रह जाएगी। संसार के चिंतन करने में चिंतन कर लेते हैं लेकिन ये वृत्तियां बढ़ जाती हैं। सोचो ना ध्यान से, अगर संसार का चिंतन करे काम बढ़ जाएगा। सोचो अपनी औरत के बारे में, सोचो पतिदेव के बारे में, काम की वृत्ति बढ़ेगी। सोचो अपने बच्चों के बारे में, स्नेह बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, अटैचमेंट बढ़ेगी। सोचो अपने माँ बाप बहन भाई के बारे में, ये गंदी वृत्तियां बढ़ती जाएंगी है। सोचो अपने कारोबार के बारे में, लोभ बढ़ता जाएगा। सोचो अपने बारे में तो क्या आप गंभीर होते चले जाएंगे है। सोचो भविष्य के बारे में तो आप क्या हो जाएंगे, भयभीत होते जाएंगे है। ये गंदी वृत्तियां साथ मिल जाती है, जिससे हमारी भक्ति क्या होती है, स्टॉप। भक्ति हमारी वही रुक जाती है। इसलिए भगवान ने रोका है, आप गुजरने वाले
साल में ऐसे पूरा कंट्रोल नहीं किया, किया है मैं मानता हूँ, लेकिन पूरा नहीं किया, इसलिए कमी आप में नजर आ रही है। आपको खुद अपने अंदर कमी नजर आती है मिस्टर शर्मा, ओ वर्मा, आप खुद अपनी कमी देख रहे हैं। दूर करो ना, कब दूर होगी? एक एक दिन तुम्हारी जिंदगी का जा रहा है, एक एक दिन अनमोल चला गया। आखिरी ये 1995 का अंतिम दिवस आ गया, ये 365 दिन भी हाँ जा रहा है, ये हम अंतिम नमस्कार कर रहा है, अंतिम नमस्कार, आहा अंतिम नमस्कार। एक मुसलमान बैठे होते मस्जिद में तो वो बोलते ये इस साल की आखिरी सलाम, कितना दरबर शब्द है ये, इस साल की आखिरी सलाम। बड़े होगा कैसी, कितनी मेहनत की, जबकि भगवान कहते हैं तन काम भी मन रही धन। तो अब क्या होगा अगर हम ये प्रयास करेंगे? हाँ, हर समय अंदर वाला मन भगवान में लगा रहेगा। अगर ये प्रयास जारी है तो मन हमारा प्रभु के चिंतन में रहेगा। यही भगवान चाहती है, सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान है, हमें यही शर्त पूरी करनी है और यही डट के पूरी कर रहे हैं। शाबाश, इस तरह आप भी कर सकते, हमारे तो बड़े जिम्मेवारियां आपके लिए, आपकी थोड़ी सी जिम्मेवारियां हैं, पर फार्मूला तो एक होगा, एक ही फार्मूला हर एक याद आप करना। नया साल पुराना साल जा रहा है, नया गया आने वाला, पर जो कमियां नजर आती क्यों नहीं गई? मैंने कहा, व्यास जी ने बताया, परहेज नहीं किया, आपके संसार संबंधी संकल्प कल बंद नहीं करते, जबकि तरीका बता गई है, जिस समय का जो कार्य हो कर गुजरो, उसके बारे में सोचो नहीं, उसके बारे में चिंता न करो। आप फील हो गया दूसरी बार ग्रेजुएशन बीए में, चिंता क्या, आपने पोशाक भी किया पूरा, मेरी किस्मत नहीं अच्छी, मेरे सरस्वती चढ़ गई है, पंडित जी कह रहे, पंडित घनश्याम कह रहे हैं मेरी सरस्वती चढ़ गई है, तो चढ़ गई तो कौन उतरे, 10 आदमी ले आओ उतारे वो। ये कहने से कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनेगा। एक पंडित भी आजकल ऐसी मिल गया जो अनुभवी नहीं है, सिर्फ पंडित ग्रस्त ग्रस्त के पालन करने वाले गए। आहा आहा आहा, डॉक्टर साहब भी आ बैठे हैं शर्मा डॉक्टर, और ब्राह्मण भी आ बैठे हैं घनश्याम दास, मैं अब क्या बोलूं, क्या घनश्याम दास तेरा दादा नहीं कहा करता था? हाँ, डॉक्टर का यार रोगी, पंडित का यार शोकी। अगर पंडित ने दोस्ती लगाई तो कोई ना कोई सापा डाली रखेंगे, अगर डॉक्टर के साथ दोस्ती लगाई तो कोई ना कोई विटे बन हमारा काम करते रखेंगे, आ गोली खानी, 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 तो उनको विटे बन काम होगा ही ना। और पंडित ने दोस्ती लगाई तो कोई ना कोई त्रिशूल मुझे लगा ही रहेगा, फलाना चंद्रमा आपके पास कहानी अक्से देख रहे हैं, कहानी अक्से फलाना त्रिशूल आपकी हो रही है, फलाना मंगलवार आपकी वो ठीक नहीं, कोई ना कोई, हालांकि दोस्त वो है जो हमें इन बातों से निकाले और भगवान की ओर भेज दे। ये इन्हीं बातों में लड़ाई रखेंगे, इन्हीं बातों में, नानी बेटी इनसे ऊपर उठो, उठो आपका, आपके से कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों, भगवान जी जो आपके साथ है। उधर देखो, हम लोग बब्बर शेर बने हुए हैं, सिर्फ गीता जी के इस फरमान से, अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाएगा, अगर हम दाता कपटी नहीं और तेरी मीठी याद हमारे अंदर है, फिर हमें क्या डर है। कितना अच्छा हमारे गुरुदेव कहा करती थी, कृष्ण का दास काहे उदास, हो भगवान जी का दास जिन्होंने गीता सुनाई, इतना चोटी की फिलॉसफी दी, और फिर अपने मुख से कह रही गए, ना गमगी हो मसरूरी मोक्ष श्यामी मां चुचा, ये उनके आखिरी शब्द है उपदेश के, छठे 66-18 में शोक के अंतिम शब्द, मोक्ष श्यामी मुक्त कर दूंगा, मां मैंने मत सुचा मैंने चिंता कर, आहा मां सुचा मत चिंता कर, गीता शुरुआत भी यही से होती है, मेरा मन चिंता में फंस गया है, चिंता के कारण से मैं नहीं जानता मुझे क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपका चेला हूं मेरी मदद कीजिए, और जो होने के रास्ता बता दीजिए। सारा उपदेश देने के बाद अखिल में भगवान के थे, चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूं,
ये मेरे स्वामी जी हमारी पीठ ठोका करते थे, माई फियर, फियर में डर, ऐसी शब्द महापुरुषों की तरह अपने अंतक अंदर लिख लो, माई फियर, ऐसी डर कर के भगवान जी करे डरते क्यों हो जब मैं सर्वव्यापी में आपके साथ हूं, वाई फियर व्हेन आई एम डियर, वाई फियर लॉर्ड कृष्ण से व्हेन आई एम डियर, मैं अव्वल मैं आखिर में हूं, डर देन वाई फियर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे प्रभु, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही वहां पर आपके चले जाएंगे। एक तो शादी कर लेती तो शेर भी बन जाती है, अब क्या मुझे जीवन साथी मिल गया है, मेरा बॉडीगार्ड मिल गया है, कमलिए अगर एक छोटे से पुरुष के साथ शादी करने से तेरा बॉडीगार्ड है, हमारा भी कोई बॉडीगार्ड है, हमें भी बॉडीगार्ड गीता के द्वारा मिल गया है, और वही हम अपना आपको ले रहे हैं। देख लीजिए दुनिया मिठू बना है, हमारी भी हिम्मत देखो, अपना कसम कौन देता है, और हम अपना कसम आप सारों को लेने आए, सारों को हमारा कसम ले लो, हमारे स्नेह ले लो, इनके बिना चारा भी नहीं बना, अपने कसम को तेरे कसम की ओर अभी आंख से तो देखे, अगर कोई देखे सही और वो आंख मिला रहा हो किसी के साथ तो चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा लगाने एक भी फुलगा पक जाए, और हम तो आपको दूर ही आए गए जो कि इस दिन के बिना मिट्टी पली था, भगवान खुद कहती है आहा हा जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर जो तकरार हुज्जत करेगी इस तर अली उनके ऐसा फरेब फतूर वो जाहिर तबाही में आए जरूर। आपके भगवान कहते हैं अब भी कुछ नहीं गया, अब भी पकड़ लो संसार के संकल्प विकल्प बंद कर लो, अभी मेरे बैठे बैठे प्रबंध संसार के संकल्प विकल्प बंद हो गया, प्रबंध संसार के संकल्प विकल्प बंद, कितना अंतर है, बन के आगे उपसर्ग लगा दो प्र और थी बदल जाती है, संसार के सकल विकल्प बंद क्यों हो गया पर बंद, कि हम जिस समय का जो कार्य होगा कर गुजरेंगे, वो सोचेंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, फिक्र नहीं करेंगे, बेचैनी नहीं पैदा करेंगे, ये जल्दी कर लो आयु जा रही है, वो नेक मेरी देवी आयु गई गई गई। नंबर दो, क्यों हमारे में कमी रहेंगी, साल तो चला समय तो किसी की इंतजार नहीं करता, कितना अच्छा कहा गया टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड समय और दरिया की लहरें किसी रानी खां साले की इंतजार नहीं करती, समय और पानी की लहरें किसी की इंतजार नहीं किया करती, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी की इंतजार नहीं करती बेटे, कोई फायदा उठा गया तो मत लेटर वो लकी कराएगा, अदरवाइज समय ने इंतजार नहीं करनी, देन कम ऑन। नंबर दो, क्यों कमी हमारे में रह गई, जा देना क्यों कमी रह गई, श्रद्धा की कमी है, हमारी श्रद्धा कम है बाबा, हां आपको श्रद्धा कम बढ़ रहा कमी नहीं आती, महाराज जी का अनमोल तजर्बा साक्षी है, मैं उन्हीं के अनमोल बोल आपके अंतःकरण में रख रहा हूं, श्रद्धा में कमी होती है तभी कमी, तभी हमें में कमी रह जाती है, कैसी सुनिए गौर से सुनो मेरी माता और मेरी बेटियों, श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा कि जैसा भगवान जी ने कहा है मेरे कल्याण का यही एक तरीका और मेरे लिए कोई उपाय नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं, अंग्रेजी बोलती है नो ऑल्टरनेटिव, और कोई मेरे लिए विकल्प नहीं है, घर में आटा खत्म हो गया आटे तो है चावल तो पड़ेंगे और आपका समय तो निकल जाएगा सिगरी पिसवा लेंगे, हाँ तो कोई ना तरीका तो आया ना, भूखा तो भूख तो ही मरेंगे, हमारे पास चावल है आलू बीट में डालो, हाँ सब्जी भी बीटी हो गई इधर दाल बना लो तो उसका अंश भी हो गया, सारे बैठ के खा लेंगे, और आप तो नहीं कहेंगे भूख लगी है चूहे दौड़ रही है पेट में, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन श्रद्धा क्या कहती है, श्रद्धा तो कहती है इसकी बिना चारा ही नहीं, हम कहते श्रद्धा भी करते तो फिर कोई चारा नहीं, फिर तो हम मर गए, इसलिए आपके मेन गेट के बाहर इतने मोटे अक्षरों में अंकित करवाया हुआ है श्रद्धावान अंदर जा रहे हो भगवान की वाणी सुनने, पर क्या पासपोर्ट ले लिया आपने, ये आपका प्रवेश पत्र है,
कौन सा श्रद्धावान लगते ज्ञान हो। भगवान के छोटी ज्ञान को श्रद्धालु अनुभव करेगा, श्रद्धालु अंतर्गत में रख के जाए। श्रद्धालु क्या होती है, गीता के ज्ञान के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। किसी का किसी द्वारा हो रहा होगा पंजाब तक मेरे मन का तल्लक है, भगवान की वाणी के बिना नहीं हो सकता। और मैंने बुरी करना है जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं, मुझे मन अपने कुत्ते आवारा इधर उधर नहीं भटकाना, आवारा कुत्ते भागते रहते इधर उधर, मुझे अपने मन को अब आवारा नहीं बनाना, मुझे भगवान की वाणी में जोर देना है। अगर इतनी श्रद्धा होती मेरे सजनों, मेरे बुजुर्गो, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कभी हो नहीं सकता कि कमी आपके अंदर रह जाती, इम्पॉसिबल। श्रद्धा में कमी है तभी आपके को टिग्गे लग गया, तब ये मेरा बात है। जैसे पिताजी को एक दिन मैंने कहा, पिताजी आपके दांत नहीं अच्छे, क्या बात, मेरे ख्याल में आपने दांत बाहर नहीं निकाले, और साफ नहीं किया आज। हाँ बेटे, तुम जी ये मुझे नजर आ रहा है, खाया पिया आपके साइजों पे अटका पड़ा, ये लाल मिर्च का एक अंश ये साथ अटका हुआ है। हर काका ये अच्छी बात नहीं, अब वो आएगी आपके दांतों से, क्यों पिताजी के दांतों में अटका चुके, मुंह से निकाले नहीं, और आज दांतों को बराबरी दांत है साफ नहीं किया, क्यों कमी रह गई, आपने श्रद्धा के साथ इंसाफ नहीं किया। पिताजी ने दांत साफ नहीं किए, चीजें खाई अटकी पड़ी है, आपने श्रद्धा के साथ इंसाफ नहीं किया। रोज अगर दांत साफ किए तो कोई चीज अटकी रहेगी, कदापि नहीं। अगर श्रद्धा के अनुसार जीवन बनाया जाए कमी रह जाएगी, कभी हुआ ही नहीं सकता, क्योंकि जब इतनी श्रद्धा होती है चुपकी चुपकी बाबा क्या कहने जा रहा है, चुपकी चुपकी भगवान हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शोर निमित आते हैं भगवान शोर निमित आते, चुपकी चुपकी आहा, भगवान की दो बातों में शोर निमितता, ये तुझे संपूर्ण प्रेम श्रद्धालु भगवान जी की ओर बढ़ता जा रहा है, भगवान मदद करते हैं तो पता नहीं लगता। सुनिए सुनिए मुझे ये शब्द बड़े प्यारे लगे, क्या उनको देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी है, उनको देते नहीं देखा, ये मैं बोलूंगा आगे आप बोलो, उनको देते नहीं देखा पर सबकी झोली, उनको देते नहीं देखा पर सबकी झोली, देते तो नहीं देखा पर झोली भर जाती है, तो कोई देता तभी झोली भरती है ना, या तो जादू तो नहीं हो रहा, कोई मदारी वाला तो नहीं आया बैठा, ये तो श्रद्धा का सवाल है। उनको देते नहीं देखा, भगवान का एक नियम, वो झोली भर देती है, जो पूरी श्रद्धा के इनके बिना मेरा कल्याण नहीं, मेरा मेरे कल्याण का यही एक उपाय है, हमारा मन ढोलेगा नहीं, हमारा मन इधर उधर जाएगा नहीं, एक नहीं ही का रहेगा, एकाग्र हो जाएगा। श्रद्धा किसी कहती है न हो उसको ख्याल दूरी से कोई, हाय ये है श्रद्धा, दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फेथ, उसको और किसी का ख्याल नहीं आता। और बताऊं श्रद्धा किसे कहती है, जो अर्जुन ने कहा बना दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो, आपके सिवा कौन होगा दाता जो मेरे सारी शंकाओं को दूर करके हाँ कल्याण कर दे, योर ओनली, हाय हाय बना दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो रहम गुमा, इसे कहते हैं सही रूप में श्रद्धा। इतनी कमी रहेगी आप में कमी रहेगी मेरी बेटी, तभी कमियां नजर आती है, वरना कभी कोई साल गुजर रहा है कमी न रहती। एक तो भगवान आपको श्रद्धालु को दे देते सब कुछ, इतनी श्रद्धा हो, लेकिन शोर चुपके चुपके हाय हाय। और दूसरी देखो दो बातों में ध्यान देना मेरी ओर, मीठी मीठी बातें जो रोज जीवन में आने वाली है वो अपने शास्त्रों की सुना रहा हूं। अरे सुन, कौन दादा चाचा मामा तुझे बताएगा, ये सुन, यही दादा इस दादा को वाजिब है कि वो आपको बताए। ये तो भगवान आपको जो पूरा श्रद्धालु है, हाँ उसको चुपके चुपके सब कुछ दे देती है, एक दूसरे के बहुत जालिम है, नलायक है, जाबर है, अत्याचारी है, हमारा भारत कहता है जालिमो डरो अपने भगवान से। दुर्योधन जैसे दुशासन जैसे एक बार कहा पूछते हैं, जालिमो
डरो अपने भगवान से, डर देना, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। भगवान की लाठी में लाठी पड़ेगी पर आवाज भी आएगी। बाबा फिर कहो जालिमो डरो भगवान से, क्यों? उनकी लाठी में आवाज नहीं, इधर उनकी श्रद्धा में भी आवाज नहीं होती और उधर उनकी पनिशमेंट में भी आवाज नहीं। हमारे भारत के कवि बहुत अच्छे, डरो जालिमो डरो भगवान से, क्योंकि उनकी लाठी की आवाज नहीं होती। पनिशमेंट तो पूरी नहीं देती है पर आवाज नहीं होती। इसी को कवि ने, हिंदुस्तान कवि ने यूं कह दिया, हाय जिंदगी का साज भी क्या साज है, बजरा है और भी आवाज है, लय न टूटे जिंदगी के साज की, क्यों जिंदगी आवाज ही आवाज है। नंबर 3, क्यों कमी रहेगी इस साल हमारे अंदर, जबकि हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जानवी भी आप बैठती हैं, कुर्बानियां भी करते, फिर कमी क्यों रह गई, क्यों कमी रहेगी आपके अंदर? तीसरी बात महर्षि वेद व्यास जी की, क्या आपने आत्मनिरीक्षण पूर्ण रूप में किया? आपने चुन लिया सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आपने चुन लिया अपनी जांच पड़ताल, आपने अपनी जांच पड़ताल गौर से नहीं की, जांच पड़ताल गौर से नहीं की। हां जैसे सवेरी हम गौर से धोती है अपने शरीर के अंग, एक एक अंग, एक एक अंग धोती है, मिट्टी कहां से आ गई, फिर आ जाऊंगी, फिर साबुन लगा के उस पर पानी डालती है, रगड़ देती है, या कोई चीज ऐसी आ जाती है, ये चीज कहां से आ गई, तो रगड़ के निरीक्षण करते हैं अपना, तो बार बार देखती ये क्या हो गया, ये क्या बन गया है, ये मेरी पजामी को, ये खून कैसा, क्या रात को खून आया, एक ही चीज अब देखती है, ये तो निरीक्षण करना। इसी तरह हमने निरीक्षण नहीं अच्छी तरह किया है, क्रोध का नहीं किया, लोभ का नहीं किया, मुंह का नहीं किया, तभी टिक गए, क्योंकि इंसान जब निरीक्षण करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, वो गलती टिक नहीं सकती। यह है महर्षि वेद व्यास जी का मनोविज्ञान, अगर आप निरीक्षण करें नहीं रह सकते है, ये बार बार बाल की भी लगी आ रहा है, नहीं रहेगा, आप लेकर के यूं कर देंगे, मैं चलती हूँ, ये चुटके रहा है, अब चप्पल नहीं, एक किल बाहर निकला हुआ है, अब किल रह नहीं सकता, ये चुटके रहा है, चीज है ये, क्या हो गया, हाय हाय ये मेरे पीछे क्या हो रहा है, ये क्या, ओ ये तो पीला पीला कटीला, इसने एक डंक मार दिया और मार रहा था, निरीक्षण किया तकिया हाथ में आ गया। तो क्या है नियम, क्या है, जब इंसान निरीक्षण करता है तो वो कमजोरी रह नहीं सकती। तो आपके निरीक्षण में कमी, इसे बोलते आत्म निरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अगर बड़े गौर से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया होता है मेरे सजनों और मेरी बेटियों, कभी नहीं रहती कमी। तो नया साल हमें ये याद करा के जा रहा है, क्षमा करना, ये 1995 हमें छोड़ के जा रहा है अब ये, और कह रहे अगर कमी है तो आप में ये तीनों में कमी, आपने ये तीनों ने ध्यान से देखी, अगर ये देखी होती आप में कमी न रहती, और जब आप सीधे ध्यान में बैठते परमात्मा की कसम आप गुम हो जाते, आपका वृत्ति इस तन को छोड़ जाती। अगर आप प्रयास करते, संसार का चिंतन न करते, भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा करते, आपका निरीक्षण करते, हर समय मन भगवान में लगा रहता, सन मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते प्रत्येक प्रकार का कार्य करते हुए आपका मन अपने मालिक में लगा रहता। इतनी बात कहता हुआ ये 1995 तो हमेशा के लिए जा रहा है, कहां जहां से आया था, आहा वही भगवान, सब चीजें तो भगवान से आई है ना, वही भगवान की जात में जा रहा, लेकिन हमें चेतावनी दिए जा रहा, मैं तो जा रहा हूं पर आप अपनी कमी दूर कर लेना। आज सोने से पहले जरूर विचार कि क्या 1996 में ये बात रह जाएगी, ये एक पुराना प्रसाद जा रहा है, नया कह आने वाला, सवेरे हम कीर्तन कर रहे थे वीर देवी, आहा
एक साल गुजर गया है, एक साल बीत गया है, नया है आने वाला, भक्ति का वर दे दे ओ नंद के लाला, हमें भक्ति का वरदान दे दे मेरे दाता, ये साल गुजर गया है, नया है आने वाला। मांगो अपने दाता से और ये निरीक्षण करना कि आप नए साल ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, बार बार इसी की गलती नहीं करूंगा। बड़ा बेवकूफी कहलाती है जो बार बार उसी को रिपीट किया जाए। हाँ मैं रियलाइज करा रहा हूं, आप इसे दूर कीजिए। क्या नहीं, लाजमी तौर पर मेरी देवी, लाजमी तौर पर हम अपना निरीक्षण भी करेंगे, पूरी श्रद्धा भगवान के प्रति रखेंगे कि यही एक उपाय है मेरे कल्याण का। और तीसरा मैंने आपसे कहा, पहला सबसे पहले आपको बताया, चिंता नहीं करनी संसार के बारे में, चिंता नहीं करना, ये बड़ी कमी भी आपके अंदर जरूर निकाल दीजिए। भगवान के इस फरमान को पूरा रूपये अंतःकरण में रख लीजिएगा, क्या जिक्र करना है पर फिक्र नहीं करना, भगवान का चिंतन करना है पर चिंता नहीं करना। आपकी सेहत खराब है हरीश, इलाज कीजिए, हम दुआएं देंगे, बस चिंता ना करो। तुम सारा चिंतन करने लगे हो काली टोपी वाले, ओ मेरे मुल्तानी भाई, कोई बात नहीं, दूरू चार फिंगन, पर आप चिंता ना करो। गुरु मैं तीन नहीं कहूंगा, गुरु मैं पांच नहीं कहूंगा, तीन दिन गुरु चार तीन दिन, पर आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करें, बस फिर बात बड़ी पहली बात है, प्रसाद करें, बीमार है प्रसाद हो रहा है, दुआ दे रही है, या कोई भी ऐसी बात है, कोई बात नहीं, आप प्रसाद करें, लेकिन उसका चिंतन बार बार चिंतन करना, बार बार सोचना, भगवान नाराज हो जाते हैं। अगर बार बार सोचिया कौन, या तो नक सोचे, या तुम्हारी गली सोचे, या हमारा हाथ सोचे, सोचे वहां तो मन है, और भक्ति किसने करनी है, मन, तो मन तो आप चिंता में लगाई रखेंगे, चिंतन कौन करेगा, हाय 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 हाय, मन फिक्र में लगा हुआ है, इस नेम का जिक्र कौन करेगा। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर, और चाहे विशेष कमा, सब्जेक्ट इज वाइन, आगे टू दिस साइड आर टू गेट, सब्जेक्ट तो एक ही है ना, हा हा आ हा, मेरे जी में पांच रुपए हैं, हाँ या तो ये हलवाई की गर्मा गर्म जलेबियां खाऊं, ये मुझे नजर आ रहे हैं छह सात कोई, या पांच रुपए एक एक रुपया निकाल करके तुड़वा करके दुकान से एक एक रुपया कोड़ी उपले दू, बोल मनवा बोल, गरम गरम जलेबियां खानी है, आ आ आ आ क्या कर रही, या कोड़ियों को देनी है, बोल मनवा बोल, आ आ आ आ, नहीं जलेबियां खाएंगे और पेशाब मत मल बन जाएगा, इनको दे दे, ये दुआएं मेरे साथ जाएंगी, वेरी गुड। अब एक ही बात हो सकती है, या तो मैं जलेबियां खाऊं, हाय 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 हाय, आहा आहा, और या जब इनको दे करके मैं इनके आशीर्वाद लूं, एक पांच रुपए तो मेरे पास एक ही है, या इनको दूं या जलेबियां खाऊं, हाय बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ध्यान दीजिएगा, मन तो एक है, चाहे प्रभु की भक्ति में लगा डाले और चाहे संसार की चिंता करते रहे, चिंता से होना कुछ नहीं, होना क्या है, पहले बनी जो हमारी प्रारब्ध है, होना वही है, हम लाख चिंता करते रहे, मुद्दा ही लाख पूरा चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। वाई वरी वाई टू थिंक ओवर दैट, कितनी अच्छी बात महापुरुष कह गए, हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा, हम कल्याण कामी को भगवान की वाणी की कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा, रजोगुणी को तो इधर श्रद्धा ही नहीं, तमोगुणी तो शराब से ही फुर्सत नहीं, शराब कबाब हर गंज मन ट्रैक्टर बर्बाद करना, वो तो उन्हीं में लगे पड़े हैं, हम तो कल्याण कामी है ना, जो भगवान की वाणी की कदर करेंगे। आपके लिए तो भगवान ने कहा है, मेरा भक्त होकर बाई जो न्याज, मेरा भगत बनकर विनम्रता पूर्वक जो भक्तों से मेरे कहेगा, ये मालिक का फरमान आपके लिए है ना, उन्हें सरे आगे सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वसल बाद आपके लिए, तो मालिक ने हम जैसों को कहा है कि पहले मेरे प्यारे बनो, विनम्र हो जाओ और मेरे भक्तों को ये चोटी का राज बता दो। नो ये पुराना साल जा रहा है, इतनी बात कहता हुआ, और मेरी माता मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, पढ़ी लिखी जनता काफी आ रही है, अपने मन को जरा समझा लीजिएगा, जाओ खाओ पियो, कोई मेहमान आया तो जरूरी बात कर लो,
लेकिन सोने से पहले लगाई चौकड़ी, जैसे मैं यहां लगा के एक घंटा डेढ़ घंटा बैठा रहता हूं। और इन्हीं बात पर विचार करो, साल तो जा रहा है लेकिन मेरी में कमियां तो रह गई, ये क्या बनेगा? हाय कहीं इन कमियों को हमें दूर करना है। ये कमियां दूर हुई तो भगवान ने खुद छठी अध्याय में कहा है, जब कमियां नहीं रहती ख्याल उसके वश में मन में भी जाओ। तो ख्याल वश नहीं हो गया तो मन सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म मन भगवान की जात में समा जाता। देख लीजिए, जो चीज सूक्ष्म जाती है ऊपर उठती है, जो चीज भारी होती है उसे धरती खींचती है। ये तो आप सियाने जानती है, भारी चीज को धरती खींचती है और वही चीज हल्की हो जाए तो आकाश की ओर जाएगी। लकड़ी है, भारी है, धरती ऊपर रखी है, आग लगाओ इसमें जो गैसें निकलेंगी ऊपर चली जाएगी। अग्नि हमेशा ऊपर जाती है, हल्की है ना, अग्नि किससे निकली है? भारी लकड़ी में से। जब भारी थी तो जमीन पर, हल्की हो गई तो ऊपर। लाइए तराजू तकड़ी, हाँ एक पेड़ में भट्टा तो कहां पड़ा? जमीन पर वो पड़ा, और एक पेड़ खाली तो ऊपर उठा हुआ। ये पड़ा यू उठा हुआ यू, ये भारी है ना जमीन के ऊपर, जमीन ने खींच रखा है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, धरती खींचती है भारी चीज को, हल्की चीज को आकाश खींचता। तो जब हमारा मन हल्का हो जाएगा अंतर्यामी खींच लेता है, और जब ये काम में वास्तव होता तब ये संसार खींच के ले जाता। कितनी सच्चाई की बात है अगर आप अपने मन में रख ले तो। भारी चीज को धरती खींचती है, हल्की चीज को आकाश खींचता। करो ना अपने मन को हल्का, इस अगर पचामी नहीं कर सके लक्ष्य कम, और उसमें इस तरह हमें नया साल ऐसी मुबारक होना कि न्यू ईयर ग्रीटिंग, न्यू ईयर ग्रीटिंग, इससे क्या बनेगा? 10-12 रुपए का कार्ड भेज दिया बस, वो अपने यार की, मैंने आपको भेज दिया, आपने मुझे भेज दिया, कमजोरियां मेरी में भी, कमजोरियां आप में भी, इस भेजने से क्या मतलब? ग्रीटिंग का जो रखा है लाखों रुपए कार्ड छपवाने वाले बना गए, आप गुगू दे गुगू, हमें क्या मिला? अब सियानी बनो इन कार्ड में तो कुछ नहीं बनता। जैसे आजकल के जमाने में, हाँ ये मेरी बुजुर्ग भैया और ये दादा ये हैरान होते हैं, ए मुन्नी दी माँ हाँ आना मेरे पास बैठा के, आनिया जरा जरा गर्म रोटी कर लो, आगे खा पी के क्या आखते पे हो? आख दीजिए पे, अमी पुरानी बातें याद आ रही है क्या? मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, वो दिन कैसे थे, कितनी रौनकें थी, दो निकलते थे दो आते थे, कोई इधर नीचे पूछ, आप कैसे दिन आ गए? दिया ले गए जवाई और पुत्र ले गए, बहुए ले गए पूत, नी बच्चों की माँ की आखते पे हो? दिया ले गए जवाई, हाँ बहुए ले गई पूत, आप दोनों ले गए ऊत दे ऊत, आप ऊत रह गए, ये क्या बन गया? तो रुकती है बिचारे तो आप ऊंच बनी रह गए, वो लुट के रह गए। इसी तरह सरकार, ये पुराना साल जा रहा है कुछ कह के जा रहा है, ऊंच न बने रहना। एक एक दिन गया, सप्ताह गया, महीने गए और ये वर्ष जा रहा है, हम ऊंट बने रहेंगे? नहीं। फिजाएं आई, हवाएं आई, बसंत आई, पतझड़ आई, अपने वर्षा ऋतु आई, हिमपात हुआ, ये सब कुछ हुआ और हम लोगों में तब्दीली ना आए, क्यों ना आएगी? भगवान जी के अनुसार जुट जाएंगे, लाजमी तौर पर कमी अगले साल नहीं आएगी। पक्का कर लो मेरी बेटी, मैं तो इसलिए भेजा गया हूं कि आपका ये मार्ग बता दूं, कौन सा मार्ग? जो भगवान जी ने कहा, भगवान ने अवतार आपके लिए भी तुझे, भगवान ने दो के लिए अवतार दिया, आप ताइयों को अपनी वर्कशॉप में भेजने के लिए, चलो आप ताइयों जान दो, मैं तुम्हें नया रूप दूंगा, और एक आपके लिए बुरों को बलों को बुरों से जड़े धर्म की फिर जमा पाऊ। आपको तो भगवान जी पुष्टि दे गए, आपको मेरी भगवानी चोटी का ज्ञान दे करके आपके स्पीड को बढ़ा गए और फिर लाभ उठाए अवतारी दाता के, अवतार का और उसकी ज्ञान का। आप कदर की भी मेरे भगवान के ज्ञान की, अपनी कमजोरी को दूर कर लो, बस
कमजोरी गई और आप तभी हुए। इसमें कोई 100 मील का फासला जो हमें तय करना है। हाँ मेरे गुरुदेव बड़े अच्छा कह गए, कोई डिस्टेंस है जो हमने कवर करना है? नहीं, सिर्फ मन को निर्मल करके तलीन होना। नो डिस्टेंस टू कवर, सिंपली वी हैव टू प्योरीफाई। नो डिस्टेंस टू कवर, सिंपली वी हैव टू प्योरीफाई। कोई फासला नहीं जो हमने तय करना है, केवल अपने मन को निर्मल करना है, इन्हीं कमजोरियों से छुड़ाना है। हाय कितनी जोरदार शब्द है प्रभु जी के। कोई फासला नहीं जो तय करना है, केवल मन को निर्मल करके तलीन कर देना। कोई मंत्र नहीं पढ़ना, क्या सुई में धागा डालना है, सिर्फ धागे के अगले हिस्से को दो पपोटों में लेकर मरोड़ी देनी है। ये दो पपोटे दो पपोटे यूं की ये लग लगाई, यूं की ये हो नरम हो गया, डालिए सुई की आंख में धागा डल गया। इस तरह मन को जैसे भगवान जी बता रहे हैं, उन तरीकों से मरोड़ी भी लिए, हो गया निर्मल, चला गया भगवान के साथ में। स्वीकार कर ले, इनकार न करे। कई कमी हो तो प्रभु पूरी कर ले और हमें अपने चरणों में स्वीकार कर ले। हरि दर्शन को तेरे द्वार खड़ा। प्रभु ध्यान देना और आप भी सब। हरि दर्शन को तेरे द्वार खड़ा, प्रभु आ कर दे या ना कर दे। हरि दर्शन को तेरे द्वार खड़ा, प्रभु आ कर दे या ना कर दे। हरि दर्शन को तेरे द्वार खड़ा, प्रभु आ कर दे या ना कर दे। अब मर्जी तेरी प्रभु, चाहे स्वीकार कर तो चाहे। प्रभु दर्शन को तेरे द्वार खड़ा, प्रभु हाँ कर दे या ना कर दे। शब्द है हरि दर्शन को तेरे द्वार खड़ा, हरि दर्शन को तेरे द्वार खड़ा, प्रभु हाँ कर दे या अब तेरी मर्जी, हाँ करके अपना ले या ना करके ठुकरा दे, मर्जी तेरी। प्रभु दर्शन को तेरे द्वार खड़ा, प्रभु हाँ कर दे या ना कर दे। आगे सिर लिए पाप का भारे, सिर लिए पाप का भार खड़ा, प्रभु हाँ कर दे या ना कर दे। सर लिए पाप का भारे, सर लिए पाप का भार खड़ा, प्रभु हाँ कर दे या ना कर दे। सर लिए हरि दर्शन को तेरे द्वार खड़ा, प्रभु हाँ कर दे या ना कर दे। प्रेम पूर्वक प्रेम पूर्वक रिझालो, हाथ करवा लो भगवान से। हरि दर्शन को तेरे द्वार खड़ा, प्रभु हाँ कर दे या ना कर दे। सर लिए पाप का भार खड़ा, प्रभु हाँ कर दे या ना कर दे। हाँ
अपने प्रेम से भगवान को मना लो। सारे लिए पाप का भार खड़ा प्रभु हा कर दे या ना कर दे। प्रभु दर्शन को तेरे द्वार खड़ा प्रभु हा कर दे या ना कर दे। हरि दर्शन को तेरे द्वार खड़ा प्रभु हा कर दे या हो मालिक। हरि दर्शन को तेरे द्वार खड़ा प्रभु हा कर दे या कर दे। को तेरे द्वार करा हा कर दे या ना। हरि दर्शन को तेरे द्वार करा प्रभु हा कर दे या ना कर दे। सर लिए पाप का भार खड़ा प्रभु हा कर दे या ना कर दे। सर लिए पाप का है सर लिए पाप का भार खड़ा प्रभु हा कर दे या कर दे। पाप का भार खड़ा प्रभु हा कर दे या ना कर दे। हरि दर्शन को तेरे द्वार खड़ा प्रभु हा कर दे या ना कर दे। जाहो सर लिए पाप का भार खड़ा प्रभु हा कर दे या ना कर दे। ये पाप का भार खड़ा है सर लिए पाप का भार खड़ा प्रभु हा कर दे या ना कर दे। जाहो हरि दर्शन को तेरे द्वार खड़ा प्रभु हा कर दे या ना कर दे। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण छाए
भवंत सुखिना सर्वे संतो निराया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफर करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।